So hey guys, what's up? This is Akil Kumar here. Again, welcome or welcome back to my channel, Ask Professor. So इस वीडियो में मैं अपने कॉलेज महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक रिव्यू लेकर आया हूँ. मैं अपने क्लासमेट्स और हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स से पूछूंगा कि उन्हें ये कॉलेज कैसा लगा, क्या अच्छा है इस कॉलेज में, कैसा प्लेसमेंट है और क्या होना और चाहिए कॉलेज में, मतलब क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे. तो मेरे साथ हैं हर्ष अग्रवाल एंड अंकित, जो मेरे क्लासमेट्स हैं. हम इनका रिव्यू लेते हैं. सो हर्ष, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको एडमिशन कैसे मिला था इस कॉलेज में. हे, दिस इज हर्ष. एंड सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कॉलेज के अंदर एडमिशन जो होता है वो जेई मेंस के बेसिस पर भी होता है और मैनेजमेंट कोटा के बेसिस पर भी होता है. तो बेसिकली ज़्यादातर बच्चे 85% सीट्स जो है इसके अंदर वो दिल्ली वालों की रिजर्व है और 15% खाली आउटसाइड कोटा है. तो जेई मेंस की भी काफ़ी अच्छी कट ऑफ जाती है इसकी. अगर आप बात करो सीएससी की, तो सीएससी की अप्रॉक्सीमेट अंडर 1 लाख चली जाती है. अप्रॉक्सीमेटली 60,000 के अराउंड सीएससी आपको मिल जाएगी यहाँ पर. और अगर आपको आईटी लेनी है तो आईटी आपको मिल जाएगी 90K के अराउंड. और अगर आपको ईसी चाहिए तो आपको 1.5 लाख तक रैंक अगर आपकी हो तो आप ले सकते हैं. और ट्रिपल ई के लिए 2.5 लाख तक भी जाती है इसकी कट ऑफ. तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड. सो मतलब सी एस ई का जैसे इसने बताया कि इसका 70,000 to 80,000 तक रैंक होनी चाहिए, मतलब आपका 94% तक होना चाहिए, 92-93% तक अगर आपका है तो आप सी एस ई आपको मिल सकती है अगर आप दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हैं. और ई सी का क्या है, आपका 85% तक होना चाहिए, 80-85% के बीच में अगर आपका है जेई मेन का स्कोर तो आपको मिल जाएगी ई सी ब्रांच. तो आई टी का क्या सीन है, आपका 90% है तो आपको आई टी मिल जाएगी. तो यही था कॉलेज में, मतलब तो जो 15% जो सीट्स बच गई वो आउटसाइड दिल्ली के लिए, आउटसाइड दिल्ली के लिए थोड़ा हाई कट ऑफ जाती है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट. ओके, सो अब हम कवर करेंगे इस कॉलेज का, मतलब जो एकेडमिक है और फीस स्ट्रक्चर है वो कैसा है. ठीक है, तो सो मैं स्टार्ट करता हूँ अंकित से. अंकित विल टेल यू दैट ही इज़ अ आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट, तो वो आपको ये बताएगा कि आप यहाँ का कल्चर कैसा है, उसे मतलब कल्चर में क्या चेंजेस लगे अपने यहाँ से. सो हेलो गाइज, आई एम अंकित और मैं अभी आउटसाइड दिल्ली से मैं बिलोंग करता हूँ. और मेरा जो एडमिशन यहाँ पे हुआ है वो जेई मेंस के थ्रू हुआ है. सो जैसा आपको हर्ष ने बताया कि यहाँ पे जो रैंक वेरिएशन होता है थोड़ा सा आउटसाइडर के लिए, मतलब उस उनके लिए मतलब 85% जो सीट होता है वो दिल्ली के लिए रिजर्व होता है. मतलब यहाँ पे जो यहाँ का जो इनसाइडर है, जो आउटसाइडर होते हैं उनके लिए सिर्फ मतलब 15% जो सीट होता है वो रिजर्व होता है. जैसे मैं आउटसाइडर हूँ तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब रैंक यहाँ पे मांगा गया था एडमिशन के लिए, तो 1.1 मेरा रैंक था, 1.1 लाख, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ. उसके बाद जो कल्चर है यहाँ का, कल्चर सही है. मतलब यहाँ पे जो कोडिंग क्लब वगैरह ये सब भी बहुत अच्छा है. अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे करने के लिए. जैसे आप कोडिंग के, जैसे इसी से हम लोग के इस बार 2021 बैच में, 2022 बैच में एक इसी से 2-3 स्टूडेंट थे जो 1.2 करोड़ का पैकेज लिया अमेजन ड्यूबलिन में. तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत सारा होता है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. सो मैं आप हर से एक क्वेश्चन पूछूंगा कि यहाँ का कैंपस लाइफ कैसी है, स्पोर्ट्स कल्चर कैसा है और एकेडमिक्स कैसे. तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कैंपस लाइफ की. तो अगर आप ऑन कैंपस बात करो तो आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा, खाली 10 एकड़ का कैंपस है. बट जहाँ पर ये लोकेशन सिचुएटेड है, मतलब महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है हमारा जनकपुरी के अंदर, साउथ जनकपुरी साउथ के अंदर. तो ये जो लोकेशन है काफ़ी ज़्यादा प्राइम लोकेशन है. यहाँ पर आपको तरह तरह के आपको कैफ़ेज़ मिल जाएंगे, हर एक तरीके के कैफ़ेज़ मिल जाएंगे. आप अपनी कॉलेज लाइफ आउटसाइड कॉलेज ज़्यादा इन्जॉय करोगे एज़ कम्पेरिजन टू कॉलेज कैंपस. और हर स्पोर्ट्स कल्चर कैसा है यहाँ का, कुछ आप बताएंगे हमारे ऑडियंस को. टू बी ऑनेस्ट, स्पोर्ट्स इसमें बिल्कुल भी नहीं है. स्पोर्ट्स खाली नाम के लिए है. जब भी कोई भी नैक टीम आती है या कोई सी भी टीम रिव्यू करने आती है, वेरीफाई करने आती है कॉलेज को, तो ही ये निकाल के देते हैं किट. वैसे कुछ खास नहीं मिलेगा आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड. तो ऑडियंस, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक फुटबॉल ग्राउंड है, लेकिन वो ज़्यादा ड्यू टू डिसिप्लिनरी पर्पसेस वो ज़्यादा ओपन नहीं करते बच्चों के लिए. तो अब बहुत स्पोर्ट्स, मतलब यहाँ वंस इन अ ब्लू मून टाइप का है. तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी में इतना अच्छा नहीं है. और हर्ष, मैं आपसे आप पूछना चाहूँगा कि यहाँ की लैब्स और टीचर्स फैकल्टीज़ कैसी हैं, यहाँ के एकेडमिक्स कैसे.
अगर मैं बात करूँ तो लैब्स आपको सारी मिल जाएंगी, चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हो, और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के भी सारे लैब्स एकदम फुल्ली फर्निश्ड हैं। बट आपको जो लैब अपैरेटस हैं वो थोड़े कम हैं बच्चों के हिसाब से और रेशियो के हिसाब से, तो बट मैनेज हो जाता है अगर हम पाँच पाँच के ग्रुप में करें तो ठीक ठाक ही है। मतलब एवरेज कह दूंगा मैं कि लैब एकदम फर्निश्ड हैं। कुछ कुछ लैब्स में एसी लगा हुआ है, कुछ कुछ में नहीं भी लगा हुआ। तो अगर मैं बात करूँ लैब्स की ओवरऑल रिव्यू की, तो मैं 5 में से 3.5 रैंकिंग देना चाहूँगा। हाँ सर, आप हमें बताएंगे यहाँ के टीचर्स कैसे हैं और आप कितना अंडरस्टैंड करते हैं क्लास में? अगर मैं बात करूँ किसी भी कॉलेज के टीचर्स की, तो टीचर्स से आपको बहुत कम सीखने को मिलता है, और कॉलेज के अंदर आकर आपको सारा अपने आप ही करना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल, अगर आप ये करना चाहते हो कि कॉलेज के अंदर पढ़ाई के लिए आते हो तो ये भूल जाओ आप। कॉलेज में बस आपका एक चीज़ हो जाएगा कि आप नेटवर्किंग कर सकते हो कॉलेज के अंदर, कुछ कुछ बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग सोसाइटीज़ अलग अलग क्लब्स हैं, तो ये कर सकते हो आप। बट अगर आप पढ़ने के लिए आते हो तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। बट टीचर्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं, अगर आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है तो वहाँ आपकी पूरी पूरी हेल्प करी जाएगी, चाहे आपका कोई भी इंटरेस्ट हो। और हमारी कॉलेज के अंदर काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं, IEEE, उसके काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं रोबोटिक्स से रिलेटेड और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। सो गाइज, जैसे हर्ष ने बताया, हाँ वो काफ़ी अच्छा उसने बताया कि यहाँ पे एकेडमिक्स में उतना ज़्यादा आपको सीखने को मतलब खुद से ही करना पड़ेगा सब कुछ, आप ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते किसी के ऊपर। हाँ लेकिन टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, उनके सपोर्ट से, उनके जो मटेरियल देते हैं, नोट्स देते हैं, उससे आप मतलब ईजिली आप एग्ज़ाम्स को मतलब अराउंड मतलब अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो मैं अब अंकित से पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे मतलब कैंटीन कैसा है और यहाँ पे खाने का फैसिलिटी कैसा है कॉलेज के अंदर? सो गाइज, यहाँ बेसिकली यहाँ पे एक कैंटीन है, मतलब दो कैंटीन है जिसमें से एक अभी ऑन द प्रोसेस है। तो वहाँ पे आपको जो भी नॉर्मल जो स्नैक्स वगैरह होता है, जैसे समोसा वगैरह हो गया, ये सब नॉर्मल चीज़ें लंच में आपको खाने के लिए मिल जाएंगी, और प्राइस भी लगभग ठीक ठाक होता है। तो यही है यहाँ का कैंटीन का फैसिलिटी। सो मैं अब हर्ष से पूछना चाहूँगा यहाँ के हॉस्टल फैसिलिटी कैसा है और मतलब क्या प्रॉब्लम्स या फिर क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं हॉस्टल को लेने में? अगर मैं बात करूं हॉस्टल की, तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं चार्ज की, तो हॉस्टल चार्जेस आपको एकदम मिनिमाइल मिल जाएगा। बट जो अंदर का है, तो एक कमरे के अंदर कम से कम 2-3 बंदे रहते हैं, बट आपको गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी क्योंकि एसी वगैरह की फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है। और आप एक्सटर्नल कूलर्स या फिर एसी अलाउ कर सकते हैं अगर आप परमिशन ले लो किसी की, बट जो कॉलेज हॉस्टल्स है वो आपको बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कराएंगे। बस एक पंखा होगा और एक बेड देंगे और आपको और एक टेबल देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं देंगे। सो गाइस, अब ओवरऑल हम बात करें तो कॉलेज का रेटिंग 3 है out of 5 stars। अगर आप दिल्ली हाइट हो, अगर आपको DETU या NSUT में अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही है, तो आप इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो विदाउट एनी सेकेंड थाट। कॉलेज काफ़ी मतलब अच्छा है मैं कहूँगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग है, प्रोज और कौन सब है इसमें, लेकिन क्या है कि आपको मेहनत खुद से ही करनी पड़ेगी, खुद से ही आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा इस कॉलेज में। मतलब आप इस कॉलेज के ज़्यादा भरोसे नहीं रह सकते, आपको ये सब खुद से करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।